बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के घर में बातें चल रही है गेम को लेकर, और ये बात हो रही है मनीषा रानी और अभिषेक के बीच में। और दोस्तों, मनीषा रानी और अभिषेक दोनों भी मिलकर एकदम करेक्ट बात कर रहे हैं। फलकनाश, पूजा, अविनाश और साइरस ये ऐसी गेम खेल रहे हैं कि ये किसी के नजरों में खराब होना नहीं चाहते। ये सबके हाँ में हाँ मिला देते हैं और बात को वहाँ ही दबाने की देखते हैं। इनका खुद का कोई मुद्दा नहीं होता है। और मनीषा रानी कहती है, जब फलकनाश परवरिश की और क्लास की स्टैंडर्ड की बातें करती है तो ये बातें तो ऐसी बात पर करती है कि जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। मीनिंगलेस बातों को उठाती है। इनका खुद का कोई मुद्दा नहीं है, ये बस बातों को टालते रहते हैं। इनको लग रहा है 4-5 जन की मिलकर टीम है तो ये कैसे भी फिनाले तक चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद में भी तो एक दूसरे को नॉमिनेट करना ही पड़ेगा। इन्होंने जेत को ऐसे रख रखा है जैसे कि ये अगर विलन बनाना चाहते हैं तो हमारे को बना देंगे और जेत हमें नॉमिनेट कर देगा, लेकिन ये जेत को खुद के और इसलिए रख रहे कि ये एक नॉमिनेशन से बच जाएंगे। किसी न किसी जेत किसी न किसी को उनको सेफ कर ही देगा। और दोनों का कन्वर्सेशन पूरी तरह से घर को लेकर और गेम को लेकर चल रहा था। मनीषा रानी और अभिषेक दोनों भी कहते हैं कि हम तो हमारा पूरा 100% गेम खेलेंगे, घर के बाहर जाए तो चले जाए कोई गम नहीं, लेकिन सीना चौड़ा करके जाएंगे कि हाँ हम हमारा पूरा खेल कर आए हैं। जो बात है मुंह पर बोलेंगे, किसी से डर कर नहीं खेलेंगे। आपकी इस सभी पर क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।